जैसे कि यहाँ नर्सरी टू 7 क्लास तक रखा गया है, जी जी और हम लोग बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ और भी कुछ इंटरटेनमेंट करवाने हैं, हाँ और हाँ फिर जैसे कि स्मार्ट जो अभी एडमिशन कराना चाहे आपके यहाँ, हाँ। उसके लिए क्या प्रक्रिया, क्या प्रोटोकॉल है आपके विद्यालय का? अभी तो कुछ नहीं, बस जैसे कि नामांकन के लिए बस आधार कार्ड का फोटो कॉपी ले रहे हैं, और एक फोटो चाहिए और एटीएम का सर्टिफिकेट। जी नहीं, अभी तो फिलहाल वैसा कुछ नहीं रखे तो हैं। क्या निःशुल्क आप अभी एडमिशन ले रही हैं? हाँ निःशुल्क ही ले रहे हैं निःशुल्क ले जी, रहे फ्री एडमिशन है। फ्री एडमिशन, हाँ एडमिशन देखिए फ्री है साइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में। अगर आप जल्द कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस विद्यालय में नामांकन आपके बच्चों का कराते हैं, तो एडमिशन आपका बैग भी मिलेगा एडमिशन में और निःशुल्क आपका एडमिशन भी। वही कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर कोई इनकी शुरुआत कर रही है तो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के पिटकोरिया पंचायत के घुटिया गांव का बिल्कुल किनारा है, शुद्ध वातावरण है। वहां पर आज विद्यालय का शुभारंभ हुआ है शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, जिनका उद्घाटन अहल्यापुर थाना प्रभारी गुलाम गोश साहब के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया है फीता काट करके। इनके अलावे विद्यालय की संचालिका यहाँ पर बबीता चौधरी जी भी थी और गाँव ग्रामीण के काफी लोग यहाँ पर मौजूद है। दीदी किधर चली गई? हाँ दीदी आप थोड़ा इधर आइए। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी अतिथियों का आगमन हुआ है। आइए जानते हैं विद्यालय संबंधित आखिर किन किन विद्या कैसे बच्चों को पठन पाठन करवाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ जो मुख्य अतिथि आए हुए हैं गुलाम घोष साहब से, उनसे भी हम लोग शिक्षा के बारे में आज दो शब्द बात करेंगे। सबसे पहले दीदी दीदी से शुरुआत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे दीदी आज विद्यालय का उद्घाटन हुआ है? बहुत ही अच्छा हुआ है, यहाँ का वातावरण जो है स्वच्छ वातावरण रोड से हटकर है, जो कि बच्चों के लिए सबसे बढ़िया चीज है। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ रहेंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो आप बताइएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने जो जिस उद्देश्य से बनाया है स्कूल, उसका सही से पठन पाठन सही से हो, सही तरीके से पठन पाठन हो। यहाँ पर देखिए और लोग आए हुए, एक सर अभी बड़ा अच्छा मन संचालन कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल के? ये शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल ये बहुत अच्छा ये वातावरण में है, और इसको जो है भविष्य में जो आगे चल कर बहुत ही ये सुचारू रूप से चलाएगा। तो हमारा यह हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे रखने की जगह इनको मुश्किल हो जाएगा और बिल्डिंग की मैंने बुनियाद डालनी पड़ेगी, जैसा आप मैंने रखेंगे शिक्षा की नीति वैसा जो नहीं। अभी आप तीन चीजों के लिए बोल रहे थे, संबोधन कर रहे थे, वो क्या तीन चीज एक बार और बता दीजिए। ये स्कूल में सबसे पहला मैंने तीन चीज बहुत ही शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वो एक है तकनीकी शिक्षा, दूसरा अनुशासन और तीसरा जैसे नैतिक शिक्षा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है इन्होंने भाई साहब ने कही है यहाँ पर। लेकिन हम लोग चलेंगे गफार साहब के पास, जिन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा मतलब प्रेरणा वाली बात कही है उन्होंने कि मंदिर और मस्जिद से ऊपर होता है विद्यालय, जहाँ पर अच्छे नीति से पढ़ाए पठन पठन कराया जाए तो वो मुकम्मल और मुकाम हासिल करता है। क्या कहना चाहेंगे गुलाम? बस यही वातावरण के मुताबिक यही समझते हैं, ये खुला जगह है, लोगों का जहन और दिमाग खुला हो और खुले के साथ इस स्कूल का कामयाबी हासिल हो, और इसी में हम लोग पूरा गांव वाले खुश हैं और जो भी अतिथिगण आए हैं वो भी खुश होंगे, ताकि इस स्कूल का नाम रोशन आगे तक जा सके, स्कूल का कामयाबी आगे तक पहुंचे, इसकी रोशनी आगे तक जाए। लेकिन आपने संबोधन में कहा था कि मंदिर और मस्जिद से ऊपर होती है, अभी भी कहते हैं और बराबर कहेंगे, और ये हमारा संविधान का रूल रेगुलेशन है कि स्कूल एक ऐसा चीज है जहाँ लोग बच्चे विद्या लेते हैं और तालीम हासिल करते हैं, वो मंदिर और मस्जिद से ऊपर है। क्या बात, देख पा रहे थे गफार साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। हम लोग और लोगों से बात करेंगे लेकिन सर लोगों के पास चलेंगे, और विद्यालय की जो यहाँ पर मुख्य संचालिका है और वो क्या नाम उनका मुजाहिद इस्लाम, हम लोग उनसे भी बात करेंगे लेकिन सर से पहले बात करेंगे, उसके बाद विद्यालय चल करके हम लोग मुआयना भी आप लोगों को करवाएंगे। और अच्छा सर थोड़ा प्रोटोकॉल में है और वो कह रहे हैं कि उद्घाटन कर दिए हैं, संबोधन में जो कहा है उनका बाइट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग विद्यालय का मुआयना आपको करवाते हैं, तो देख पा रहे हैं आप शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, यहाँ पर प्रिंसिपल का रूम होगा, प्रिंसिपल का रूम यहाँ पर होगा। और मुजाहिद भाई कहाँ गए? हाँ चलिए आप ही बताइए क्या क्या विद्यालय में आप कितने कौन से क्लास के बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं, कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं? यहाँ पर प्रिंसिपल रूम आपका हुआ, अच्छा कहाँ है प्रिंसिपल साहब, कहाँ है, कौन है प्रिंसिपल साहब?
हैं वो अभी आए नहीं। जी जी आप बैठे उद्घाटन आज हुआ है, बैठे और विद्यालय के बारे में बताएं मैम कि यहाँ पर क्या क्या कितने कौन से क्लास के बच्चों को आप पठन पाठन करवाएंगे? जैसे कि यहाँ नर्सरी टू 7 क्लास तक रखा गया है और हम लोग बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ और भी कुछ इंटरटेनमेंट करवाने हैं, और फिर जैसे कि स्मार्ट क्लासेस हो गया और कंप्यूटर क्लास भी है, मतलब हम लोग सारा सुविधा दे रहे हैं। नर्सरी टू 7 जी अभी यहाँ से स्टार्ट होगा जी। यहाँ नामांकन वगैरह कराएं कुछ बच्चे? जी अभी तक तो फिलहाल नहीं आए हैं, पर आज कुछ गार्जियन लोग आए थे, वो सब बोले हैं कि आएंगे, तो उम्मीद है बहुत से सारे बच्चे की उम्मीद है आज। और क्या कहना चाहेंगे जो अभी एडमिशन कराना चाहे आपके यहाँ, उसके लिए क्या प्रक्रिया, क्या प्रोटोकॉल है आपके? अभी तो कुछ नहीं, बस जैसे कि नामांकन के लिए बस आधार कार्ड का फोटो कॉपी ले रहे हैं और एक फोटो चाहिए और गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए। चार्जेबल वगैरह? जी नहीं, अभी तो फिलहाल वैसा कुछ नहीं रखे हैं। क्या निशुल्क आप अभी एडमिशन? हाँ निशुल्क ही ले रहे हैं। निशुल्क ले जी, फ्री एडमिशन। एडमिशन देखिए फ्री है साइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में। अगर आप जल्द कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस विद्यालय में नामांकन आपके बच्चों का फ्री में होगा, है ना मैम? और आगे जो है इनके लिए निर्धारित होगी दर वगैरह, लेकिन फिलहाल निःशुल्क अभी एडमिशन है, निःशुल्क एडमिशन है। तो आप चाहें तो आकर के करा सकते हैं। और यहाँ के जी बैग भी फ्री है, अगर आप अभी फिलहाल अगर आप कराते हैं तो एडमिशन आपका बैग भी मिलेगा एडमिशन में और निःशुल्क आपका एडमिशन भी। वजी जी बैठिए थोड़ा, बोलिए हम लोग बात करेंगे। और क्या आप कहना चाहते हैं उन अभिभावकों को जो बच्चे आपके यहाँ एडमिशन कराएं, उनके लिए क्या संदेश है आपका विद्यालय की ओर से? विद्यालय की ओर से यही संदेश है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाएं, और यहाँ पे शिक्षा के लिए टीचर भी हम लोग अधिक सारे रखेंगे, जिस हिसाब से बच्चा बढ़ेगा उस हिसाब से हम लोग शिक्षक भी रख रहे हैं। तो आप लोग मतलब गार्जियन से मेरा ये कहना है कि आप लोग जैसे कि निश्चिंत रूप से आप लोग बच्चे को यहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई और इंटरटेनमेंट, जैसे कि बच्चों पे ज्यादा प्रेशर भी डालना आजकल सही नहीं है। आजकल के जनरेशन में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट करवाना भी बहुत जरूरी है, तो बस वो सब सारी सुविधा है अभी फिलहाल के लिए। एडमिशन निःशुल्क फिलहाल एडमिशन और बैग भी मिलेंगे अभी आपके लिए। अच्छा, तो देख पा रहे थे हम लोग शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल की आप प्रिंसिपल हुए यहाँ विद्यालय की। योर गुड नेम है? अंजीरा प्रवीण से बात हो रही थी हमारी, विद्यालय के बारे में बता रही थी। दीदी आपने तो शुभकामनाएं दी थी विद्यालय वाले को, जो तो देख पा रहे हैं हम लोग गुड़िया सैनिक, और इनका लोकेशन थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। तो देखिए बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में आप यहाँ कॉमन रूम है तो इधर भी बच्चे आकर के यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल आप लोगों को दिखा रहे थे, आइएगा सारी दीदी। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल हम लोग दिखा रहे थे अभी आपको, ये लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो बेंगाबाद मधुपुर मुख मार्ग के घुटिया आता है, घुटिया के बगल से एक रास्ता गया हुआ है, उस रास्ते पर आप आए और यहाँ पर विद्यालय आपको दिख जाएगा और विद्यालय में आप एडमिशन करा सकते हैं और बीएनबी के साथ बने रह सकते हैं। तो बने रहें आप बीएनबी के साथ और देखते रहें कब कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ हर खबर असरदार, मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़ कर बोल रहा है, जी हाँ तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा, बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।